तेरा इंज दा इस तक बाल हो सी। झूठी ये ऑप्शन है, कंफर्म नहीं है अभी, कंफर्म नहीं अभी, ट्राई कर सकते हैं हम, लेकिन अभी हम देख रहे हैं। टाइट टाइट करी वैसे क्या ये कौन सा भाई? हाय मानूर, मानूर नाम ना आपका? हाय मानूर, ये मानूर का ड्रेस है। और मैं इसको ट्राई इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि इसको बस एक ही दफा पहनेंगे हम, उसके बाद क्या? है ये मर के उतरता जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरा एनर्जी लेवल देख के, मेरी खिलती हुई हंसी देख के आप लोगों को समझ तो आ रही होगी कि भाई अम्मा वापस आ रही हैं। शाम के 4 बजे के मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सारा दिन लेटा रहा हूँ, कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। आई वॉज फीलिंग वेरी लो, मतलब ऐसा बोर, कोई एनर्जी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, व्लॉग करने का दिल ही नहीं कर रहा था। इतने में आया अम्मा का फोन। हाँ भाई कुत्ते सुना। मैं कहा जी बहू बहू ठीक ठाक, आप सुनाएं। कहती मैं रस्ते में हूँ, 10 से 15 मिनट में लाहौर पहुंच रही हूँ। तो मेरा बेटा जरा मुझे पता लगा कि तू बहुत लो हुआ है, तेरे बाबा से मेरी बात हुई है, नहा धो के फ्रेश नजर आ मुझे। मैं कहा मेरी जान तू आइया, मैं सब भी फ्रेश कर देगा। तो बस अम्मा आ रही है, 15 से 20 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगी। मैंने और अवैस ने छोटा सा इंतजाम किया है अम्मा के वेलकम का, आपको भी दिखाएंगे। अंदर चलते हैं, जाके नमाज पढ़ते हैं, फिर अम्मा का वेट करते हैं। अरे बेगम आ रही है, बेगम आ रही है, आई तो खुशी वखरिया ने है। खाना बनाया मेरा, खाना मेरा बना, खुशियां। मेरी बारबी डॉल। अच्छा जी, तेरी अच्छा भाई अवैस को जाना पड़ गया जिम, अब अम्मा के वेलकम के लिए पीछे रह गए मैं और बाबा। और ये रहा वेलकम का सामान, क्योंकि अम्मा की कॉल आ गई है, वो सोसाइटी एंटर कर चुकी है। बाबा अब अपनी बेगम का वेलकम करेंगे। बिस्मिल्लाह। आइए आइए, तेरा इंज दा इस तक बाल हो सी ना, तेरा ख्वाब ख्याल हो सी। ओ बस करो। आइए झूठी, ढाई दिन का क्या के, तो आप ये सवा तीसरे दिन आए हो। आपके बंदे को रोज रात को जफ्फी डाल के मैं सुलाता रहा हूँ, इतना रोते थे। पावर सही कह रहा हूँ। मैं उठा लेता हूँ जब भी डालो। मैंने इतना मिस किया आपको, इतना मिस किया, खा के बाहर से बर्गर शवारमे मेरी बस हो गई है। हाँ जी, इसने भी बड़ा मिस किया आपको। मैंने भी बहुत मिस किया आप लोग। आजो अंदर आजो, मैं पकड़ता हूँ बैग। आजो अवैस जिम गया ना, बैठो। अच्छा, मैं बहुत थक के कसम बैठो, मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है आपसे। चल भाई इधर आओ, जरा इधर बैठो, एक बड़ी ही जरूरी बात मैंने आपसे करनी है। 2-3 दिन से मैं दिल के अंदर दबा के बैठा हूँ, ठीक है। एक मामला है जो मैंने आपसे ना डिस्कस करना, ठीक है। वो ये कि टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ना मुझे कुछ रील्स के अंदर लोग टैग कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मैं चाहता हूँ आपसे डिस्कस करूं, आप मुझे उसके बारे में गाइड करें, ठीक है। रील्स मतलब कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, हम बनाते हैं टिकटॉक की 15 मिनट की, 15 सेकंड की या 20 सेकंड की, उसे रील्स कहते हैं। और टैग करना कि मुझे वहां पर जाकर मेंशन करते हैं कि रजब भट्ट तुम ये वीडियो देखो, ठीक है। अब बताऊं आपको वो क्या है। वीडियो इस तरह की होती हैं, उस वीडियो में होता है कि कभी भी उस मर्द से शादी ना करो जो अपनी माँ के पल्लू से बजा हुआ है, जो जवान हो के भी अपनी माँ के फैसलों को सुनता है, जो अपने माँ बाप से इतना अटैच है या कुछ एक्स्ट्रा ही प्यार करता है, उस इंसान से कभी शादी ना करो वरना सारी जिंदगी बैठ के रोती रहोगी। क्या चक्कर है ये? लड़कियां कहती है कि लड़के कहते हैं? नहीं, किसी मर्द की आवाज में ही वीडियो बनी हुई है, रील्स होती है ना, ठीक है। वहां पर लड़कियां भी मुझे टैग करती हैं और लड़के भी टैग करते हैं कि शायद तुम्हारी शादी बट साहब इसीलिए नहीं हो रही, तुम माँ के पल्लू से या भी निकले ही नहीं पाए। अब ना मैं अपने सारे बच्चों को ना ये एक अपनी एज के हिसाब से ना तजुर्बे की बात बताती हूँ। जो बच्चा अपने माँ बाप से प्यार करेगा ना, वो डेफिनेटली अपनी बीवी से प्यार करेगा। जो अपने माँ बाप का नहीं बेटे, जिसने पैदा किया 26-27 साल उसको पाला पोसा, उसकी जरूरतों को पूरा किया अल्लाह पाक तआला के बाद, तो अगर वो उनका लेना बना तो वो आपकी बेटी या उस लड़की का कभी नहीं बनेगा जो उसकी जिंदगी में अब नहीं आनी है। जो अपने माँ बाप का होगा ना बेटे, जहन में रखो, ये बड़े बड़ों की तजुर्बे वाली बात है। जो अपने माँ बाप से प्यार करेगा, जो अपने बहन भाई को इज्जत देना जानता हो, वो अपनी बीवी को इज्जत देगा, नहीं तो वही होगा जो आम माशरे में हो रहा है। शुक्र करो मेरे बेटे को मैंने सिखाया माँ की इज्जत करना, मैं एक औरत हूँ,
तो वो औरत बीवी वो कहते हैं जी इज्जत करना और चीज होती है, लेकिन ये जो व्हाट्सएप है ना ये माँ के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपने बीवी बच्चों पे क्या ही ध्यान देना, ये माँ बाप के साथ जुड़े रहते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी, जो बंदा अपनी माँ से जुड़ा है ना अपनी बीवी से भी ऐसे ही जुड़ेगा, और बच्चों से तो बंदा जुड़ता ही जुड़ता है। अच्छा खैर मैं आप लोगों को ना एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये तो हो गया माँ ने अपने बच्चों को तरीके से समझा दिया। अगर किसी लड़की को ऐसा लगता है कि हाँ जी रजब भट्ट साहब अपनी माँ के साथ या अपने बाप के साथ बहुत ज्यादा अटैच है तो ये अपने बेगम को प्यार नहीं करेंगे या अपनी बेगम को टाइम नहीं देंगे ना, तो खुदा की कसम मुझे मेरे से शादी कोई करे ही ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। जिसको लगता है या जो चाहती है कि हाँ भाई मैं आऊं तो ये माँ को भूल जाए बाप को भूल जाए तो वो आए ना। मेरे 28 साल, यार एक मिनट यार मामा, मेरे 28 साल गुजर गए ना, मेरे अगले 28 भी गुजर जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर अगर किसी की जहनीयत इस तरह की है, इस तरह की गंदी जहनीयत है कि जो बंदा अपनी जवानी के अंदर माँ बाप से इतना प्यार करता है, उनको इतना टाइम देता है, वो अपनी बेगम को क्या टाइम देगा? दो रुपये टाइम। माँ बाप का और बेगम का कोई बनता है कंपैरिजन? बेगम का अपना एक मुकाम है, माँ बाप का अपना एक मुकाम है, हर चीज को लेवल रख के चलना ही मेरा ख्याल है एक मर्द की खासियत है। अगर ऐसा लगता है तो जी भर के टैग करो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सीना खोल के और छाती तान के बोलता हूँ कि मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, बच्चों की तरह ही अटैच हूँ, जिसने करनी है शादी कर ले, जिसने नहीं करनी ना करे, कोई मसला नहीं। खैर है, समझ लगी बात की? जो लोग समझते हैं ना वो करेंगे बेटा। अच्छा मेरी बात सुन, तू इधर बैठ, मैं तेरा सदका निकाल दूं। काला सदका जान, इतना बच्चों ने प्यार किया वहाँ पे जड़ा वाले में, कसम। हाँ मुझे भी कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि माँ जी जड़ा वाले आए हैं, हमने मिलना है उनसे। बच्चे बच्चे मैं हैरान हूँ कसम से, देख के इतना प्यार। एक बच्चे की मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, मेरे पर्स में रखी हुई। ओए 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 ओए, रजब भट्ट विशिंग यू सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन योर फ्यूचर, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ प्रीशियस फ्यूचर फ्रॉम सुभान राणा। अच्छा जी पीछे कुछ लिखा हुआ, क्या दिया? चॉकलेट वगैरह साथ दी बच्चे ने, और कहा कि भाई को मैं जाके सलाम कहिएगा, भाई को कहना मैं बहुत बड़ा। मैंने कहा बेटे इतना प्यार उस शहर में भी जाकर, क्या बात, दिल क्या बात, खुश हुआ अपने बच्चों से। आए 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 आए। अच्छा जी ये लिखा है, अस्सलाम वालेकुम रजब भाई, आई एम योर बिग फैन, आपकी अम्मी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन, मेरी दुआ है आपके साथ हमेशा। प्लीज भाई मेरे चैनल को, मेरे चैनल का नाम आप अपनी वीडियो में जरूर लेना, सभी सभी टॉक्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मेरी जान बच्चा था, बड़ा था, क्या था? नहीं बच्चा था। और, मेरी और ये देखो पूरा उसने प्रिंट निकलवाया हुआ है, लव यू दिस यार, लव यू। अच्छा मेरी बात, मेरी वो जो छोटी बच्चियां दो आई थी ना, उनको बड़ी जरूरत है आपकी सपोर्ट की, उसकी नानो और मम्मा ने मुझे। अच्छा वो जो घर आई थी यार, फिल्जे व्लॉगर के नाम से चैनल है, फिल्जे व्लॉगर, बच्चियां हैं, पर्देदार बच्चियां हैं, बहुत अच्छी हैं, उनको सपोर्ट करें और इस बच्चे को भी सपोर्ट करें। मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चियां बहुत अच्छी हैं, उनको सपोर्ट करो, उसको। अच्छा आपने सदका इसका निकालना था, मेरा आपका निकालना था, उन बच्चियों को जरूरत है इनकी सपोर्ट की, ठीक है मेरे बच्चों सब जाके यार। अच्छा इसी तरह काम चलता है, आप किसी की करें कोई आपकी करे तो मुआशरा बेहतर हो जाएगा। सदका किस चीज का निकालना है आप, चनों का? मैं सदका गोश्त का, क्या आए 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 गोश्त आएंगे, हमने खा लिया सारा। नहीं नहीं मैंने मंगवाया था, मैंने कहा था अपने व्हाट्सएप से। लो जी सबका निकलने लगा भाई, मैंने बादशाह का गोश्त, दुश्मन साजिशें करती रहेंगी और मेरी माँ जो है वो आगे खड़ी रहेगी, फिर जो बकवास करता है कि माँ के साथ बंधा हुआ है, मुझे बंधा ही रहने दो, ठीक है ना? तुमने नहीं बंधना, तुमने बेगम के साथ बंधना है, तुम बंधे रहो, मैं जहाँ बंधा हूँ मुझे वहाँ बंधे रहो। ये मुझे खिला दो अब, क्या मटन है? हाँ जी छोटा गोश्त। आए 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 आए, फाइनली फाइनली, थैंक यू जान का टूटा। अच्छा जी सालन पापा नहीं बनाया लेकिन रोटी अम्मा ने बनाई है, आए 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 जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतनी खुशी है मुझे, लव यू मम्मा, थैंक यू, लव यू टू। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल्ले अलहीम, मजा आया खाना, बेहतरीन। पता लगा मम्मा कह रही हैं। अच्छा मम्मा जी मैं निकल रहा हूँ अब, ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ। अब कहाँ जा रहे हैं? मम्मा जी मैं जा रहा हूँ, मैंने आपको एक न्यूज देनी थी, आपको दी नहीं, आप बैठे हुए शादी इंजॉय कर रहे थे, आपको उस न्यूज का पता ही नहीं है, आपने भी ब्लॉग भी नहीं वो देखा होगा। मैं कर रहा हूँ एक ग्रूम ब्राइडल शूट एक स्टूडियो के लिए, दुल्हा बनूंगा मैं। ओरी शक्ल मम्मा है भाई जान, उन्होंने खुद कहा है प्लीज आप करें, और मेरी वो बहन बनी हुई है, उनके स्टूडियो को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि चलो अगर मेरी वजह से कुछ क्लाइंट वहाँ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उनके कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, काम उनका बहुत अच्छा है, नो डाउट, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उसने आपकी शक्ल को गौर से नहीं देखा था? मेरी शक्ल को उसने गौर से देख के ही मुझे उसने साइन किया। ओके ठीक है, मैं भी क्या करता हूं, 1 नवंबर को मेरा शूट है तो मैं जरा आज लड़की के साथ दुल्हन और दूल्हा बनूंगा। जाहिर बात है दुल्हन में खुद तो नहीं बनूंगा ना, मैं तो दूल्हा ही बनूंगा। ध्यान से चल, ध्यान से बल, क्या बात है इसमें, हद हो गई, दुल्हन भी होगी मैं भी होऊंगा, फेक पोज करेंगे, आए आए आए, सड़ी हूँ सड़ा ना,
अच्छा मेरी बात सुन लो, फर्स्ट नवंबर को मेरा शूट है, ठीक है, और मेरे फेवरेट फोटोग्राफर जो हैं, जिन्होंने गजल का काम किया था, वही आए हैं। कसम से क्या कमाल काम, जो ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ जिस डिजाइनर का मैं दरअसल सूट पहन रहा हूँ ना, उनकी फिटिंग के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले दो तीन दिन पहले फिटिंग देनी पड़ती है। ओवर क्या, फिटिंग देने जा रहा हूँ मैं। क्या क्या क्या, दोबारा करो। फिटिंग के लिए जा रहे हैं क्योंकि डिजाइनर जो सूट हमने पहनना है वो एक दो दिन पहले जाके आपको अपनी फिटिंग देनी पड़ती है, फिर वो आपके लिए निकाल के रखते हैं कि जी हाँ जी ये लड़के ने पहना है और ये लड़की ने पहना है। हैदर को भी लेते हैं क्योंकि हैदर का भी साथ शूट है। हाँ जी ठीक है, मिलते हैं आपको, हैदर को पिक करते हैं और देखते हैं कि क्या सिलेक्ट होता है हमारे लिए। ओके मम्मा जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, क्या हुआ, आ गए अपने मेरी प्यार की बात आप समझते नहीं। आपने मुझे कहा था मम्मा मैं आपके बच्चों के दूसरा चैनल बनाऊंगा जिससे तुम एक्सरसाइज की वो डाइट प्लान वगैरह दोगे बच्चों। हाँ, कब हाँ। की बात की हुई थी तो उसके बाद मोबाइल ही चला गया। अब तो मोबाइल लिया, मुझे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, मैं बनाऊंगा चैनल, क्या नहीं अब ली, वो तो अब ले गए ना मीना पे, तूने काफी देर पहले की बात की हुई। भाई दूसरा मोबाइल चाहिए ना, मुझे नहीं आइडिया कि एक फोन के ऊपर ही दो दो वाईटी स्टूडियोज बन जाते हैं, दो दो चैनल बन जाते हैं या नहीं बनते। बेटे पूछ के पता करो बच्चों को जरूरत है आपकी, क्या हो गया है, सबके काम आते हैं, ये भी काम करो ना। करता हूँ इंशाल्लाह, वेरी सून। चलो ठीक है। ओके जी, तो हम घर से निकल चुके हैं, हैदर भाई को हमने पिक कर लिया है क्योंकि हैदर भाई का भी शूट है ना भाई। अभी हमने यार मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है भाई, आज नहीं है शूट पागल, फर्स्ट को है तो मिलना तो है ना, पता नहीं क्या सीन करना उसे। अच्छा अभी जो फीमेल जो मॉडल्स हैं, एक तो जिसको हमने गिफ्ट किया है कांसा, डॉक्टर कांसा, हाँ डॉक्टर कांसा वो भी है, वो हैदर के साथ शूट कर रही है। एक और लड़की है जो मेरे साथ शूट कर रही है, उनको भी पिक करना है रस्ते से, और जो स्टूडियो वाली आपी है जिसका हम काम कर रहे हैं, जो मेन लेडी है, उनको भी पिक करना है। फिर हमने जाना है डिजाइनर की शॉप पे, फिर आपको वहां जाके बताते हैं कि डिजाइनर कौन सा है, किसका ड्रेस मैं पहन रहा हूँ और किसका ड्रेस लड़कियां पहन रही हैं, और फर्स्ट को शूट होगा। आज तो फिटिंग वगैरह है, हैदर साहब के पेट में गुड़गुड़ हो रही है। कहता यार मैं लड़की की तरफ देखे पोज कैसे करूंगा। मैं कहा पुत्र टेंशन ना ले, असी भी एजदी हैं, देखी जाएगी खैर। A few moments later. Okay जी, without wasting time, अब आपको मिलवा देते हैं दोनों मॉडल से, जो हैदर के साथ भी होगी और एक जो मेरे साथ होगी, और अपनी आपी से। अभी मैं उन्हीं के स्टूडियो आया हूँ, अब हम जा रहे हैं फिटिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रजब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बाटी लगती है ना, है ना? Kind of. इन्हीं का शूट मैं कर रहा हूँ, इन्हीं का ये प्यारा सा स्टूडियो है ज़ारा स्टूडियो के नाम से, और ये रही डॉक्टर कांसा। कैसी हैं आप? ठीक है, कैसा रहा रिस्पांस आपका चैनल का? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। रजत फैमिली जिंदाबाद। आई थिंक 300 या 350 सब्सक्राइबर, कितने से? 420 थे और अब तो 2000 प्लस हो गए हैं। अभी व्लॉग लगा है, एक घंटा हुआ है व्लॉग लगी, हम शूटिंग घंटा भी नहीं हुआ अभी, और 2000 क्रॉस कर गया उनका, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हैदर के साथ शूट कर रही हैं, और ये रही महनूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये महनूर है जो कि मेरे साथ शूट करेंगी, होंगे तो हम सब इकट्ठे ही, लेकिन अलग अलग कपल्स बनेगा। उसके अलावा अब हमने कहाँ जाना है, किसके पास जाना है? अभी हम लोग जा रहे हैं आपके डिजाइनर के पास, शामिल खान, जो गुलबर्ग में है। ठीक है, आपकी जो है वो साइज के लिए, हैदर की और मेरी, हैदर और आपके, और इनके लिए, और इनके लिए भी हमने ड्रेस अभी फाइनलाइज नहीं किया, एक दो ब्रांड्स हैं जिनसे हमारा चल रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक है कल तक फाइनलाइज हो जाएगा। अच्छा ये हील्स पहन के आ गई है, इसको स्पेशली मना करना कि हैदर के साथ हील्स नहीं पहनने, ठीक है ना? ये ऑलरेडी माशाल्लाह काफी लंबी है। अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं हील्स पहनूं कि ना पहनूं। नहीं बिल्कुल ना पहनूं। कमेंट्स, आप रजब फैमिली के अंदर पूछ रही हैं हैदर के साथ हील्स पहनूं कि ना पहनूं, सबने कहना है कि जी बिल्कुल ना पहने। और ये एक ड्रेस है यार, ये कैसे पहनेंगे यार, आप ही किस तरह पहनेंगे इतने इतने भारी ड्रेस यार। लेकिन अच्छा है, हैवी तो होते हैं। खैर निकलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलते हैं डिजाइनर्स के पास, वहां जाके फिटिंग वगैरह देते हैं, ताकि दो दिन का उनको टाइम मिले, हमें जब जिस दिन हमारा शूट होगा उस दिन हमें रेडी मिल जाएगा ड्रेस, मेरा भी, हैदर का भी, और दोनों फीमेल मॉडल्स का भी। निकले अभी? जी जी बिल्कुल। अच्छा भाई बिस्मिल्लाह करें। ये जी जाते जाते मैं आपको ज़ारा आपी के स्टूडियो का टूर दे देता हूँ, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा उन्होंने अपने घर पर ही बनाया हुआ है। मुझे काम पसंद आया था कुछ, मैंने आप ही कह दिया था उनको, तो हम अपना फर्स्ट एवर शूट किसी लड़की के साथ करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है तुम्हारा? हसनैन। ये आप ही आपका बेटा? माशाल्लाह, चले आ जाए। अच्छा जी अभी हम पहुंच चुके हैं, क्या नाम है ब्रांड का? ये पोशाक क्लोथिंग है। पोशाक क्लोथिंग है, ये लेडीज की है, और शरीर ही गर्म कमरा है क्योंकि सारे के सारे लेडीज के यहाँ पर कपड़े। अच्छा मेरी बात सुनो, लेडीज का है तो मैंने क्या करना? नहीं आप आज कोई मसला नहीं, आप व्लॉग कर सकते हैं। अच्छा जी ये हमारी जो दोनों ब्राइड्स हैं, हैदर की भी और ये कांसा आ गई। हाय मानूर, मानूर नाम ना आपका? हाय मानूर, ये मनूर का ड्रेस है, और मैं इसको ट्राई इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि इसको बस एक ही दफा पहनेंगे हम, उसके बाद क्या? ये मर के उतरता Thank you.
अच्छा, मेरा वजन 54 है इस टाइम। ठीक है, मुझे लगा शायद मर के उतर सकते। सॉरी मैं जरा थोड़ा सा। ये सारे ड्रेसेस हैं जी, ये सारे ब्रांडेड हैं, बहुत अच्छे। क्या नाम है? पोशाक क्लोथिंग। पोशाक क्लोथिंग के नाम से ये सारे ब्रांड्स हैं और ये सारे ड्रेसेस हैं उसके। बाकी आप लोग देख लें, हमें तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, ये पहनूंगी मैं। चलो गुड। यार मतलब बराबर ही है, इतनी खास लंबी तो नहीं लग रही। हाँ उस दिन तुमने हील्स नहीं पहने। अच्छा ये उठाओ जरा, ये उठाओ उठाओ जरा, देखना क्या हो गया, दंगल लड़ने लगी हो। उठाओ, चलो हैवी है। बहुत हैवी, चलो उठाओ तो सही। ओए ये बहुत हैवी है गाइस, और इसीलिए मैंने इसको ट्राई नहीं किया क्योंकि इसको एक ही दफा ट्राई करूंगी और एक ही दफा मेरी एक ही दफा ट्राई करेगी, उसके बाद मर के उतारेगी। एक ही दफा मेरी गाड़ी में पसीना आ गया मुझे यार। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक करूं। ओए वाकई तुम लोग 2-3-4 घंटे वाइल्ड शूटिंग किस तरह पहनोगे इसको यार? मेरा तो पहला है ये। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करे। ओए भाई क्या गर्म है यार कमरा सारा। आई थिंक सारे काम वाले सूट पड़े हैं ना, बहुत गर्मी हो गई। हाँ और भाई ये लड़कियों का ही हौसला है और लड़कियां ही पहन सकती हैं इतना हैवी ड्रेस। आ जाओ, क्या हुआ? अब चलते हैं आगे, जाके देखते हैं कि हमारे लिए क्या सोचा हुआ जारा आपी ने, मेरे लिए और हैदर के लिए। आपके भाई का फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल मैं हो रहा हूँ कि लड़कियों का ड्रेस लड़कियाँ देख ले, हमने देख लिया करना है। खैर बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, लड़कियों का तो हो गया फाइनल, जो भी ड्रेस वगैरह इनका फाइनल होना था। अब मेरे और हैदर के ड्रेस के लिए हम आ गए हैं। क्या नाम है जी इनका? शमील। क्या शमील? ये लिखा आई थिंक शमील खान। शमील और वही कहा है, शमील खान के नाम से है। देखते हैं अब हमें क्या पहनाती है ज़ारा आपी। अच्छा जी, ये शमील खान के कुछ आर्टिकल लगे हुए हैं, टक्सीडो है। मैंने ना एक चीज़ का हिसाब लगा लिया, मैंने जज कर लिया कि मुझे बहुत गर्मी लगने वाली है इस शूट में, क्योंकि मुझे आदत है ट्राउजर शर्ट निकरे शिकरे पहनने की और ये बहुत टाइट है। प्यारा लग रहा है नो डाउट, लेकिन बहुत टाइट हो जाएगा यार। हाँ जी, दुल्हा बन जाओ। ये आया जी दूसरा सेक्शन, टक्सीडो वगैरह तो नीचे थे, ये शेरवानियाँ वगैरह। यहाँ से अपने हैदर के लिए कुछ लेंगे हम। आए 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 आए, मैं तो नहीं पहनता शेरवानी वगैरह क्योंकि मैं तो शूट कंप्लीट ही नहीं कर सकूंगा जितनी मुझे गर्मी लगती है शेरवानी में या फिर टक्सीडो में भी। लेकिन यह कि टक्सीडो पहन लेंगे क्योंकि शूट तो कंप्लीट करना है ना। हैदर साहब शेरवानी पहनो, शिनवारी नहीं शेरवानी। शिनवारी हद में खाबा खाबा आ जाता है। शेरवानी को कहता है शिनवारी। अच्छा भाई, अभी ये एक आया नीचे चेक करो क्या बात है। अभी पैंट ट्राई नहीं की, ये एक ऑप्शन है, कंफर्म नहीं है। अभी देखते हैं कि हमारा डन क्या होता है। वाह यार इधर क्या लग रहा है यार, कमाल कसम से, कितना बड़ा है ये देखो, बहुत प्यारा लग रहा हूँ। करी जरा क्या करी वैसे क्या यार, ये साइज थोड़ा छोटा दीजिएगा इसमें यार। अच्छा वैसे कुर्ता अगर बड़ा है ना नीचे तो प्रिंस कोट के नीचे पूरा कवर हो रहा है, पता नहीं लग रहा। हाँ नीचे से कि बड़ा अच्छा लग रहा है नीचे बड़ा, शलवार बहुत प्यारी लग रही है नीचे। आए 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 आए, मम्मा ने वो बांधा इमाम दामन। इमाम दामन, मम्मा ने इमाम दामन बांध के भेजा। बैक टू औकात, अब चलते हैं जी वापस, फिटिंग वगैरह हो गई है, ड्रेस क्या फाइनल हुए हैं और कौन कौन से फाइनल हुए हैं ये आपको शूट वाले दिन देखने को मिलेगा। चलो भाई हैदर ड्राइव करेगा जी अब। ओके जी, फिटिंग वगैरह हो गई, साइज वगैरह दे दिए, अब जो एग्जैक्ट फाइनलाइज हुए हैं ड्रेस वो आपको शूट वाले दिन नजर आएंगे। आप ही कोई और चीज? बस ज्वेलरी है इंशाल्लाह, वो कल फाइनल हो जाएगी। ज्वेलरी तो लड़कियों की है ना, हमारा तो कोई काम नहीं लड़कियों से, हमारा काम खत्म है ना। मेकअप है, मेकअप है, मेकअप है आपका। नहीं नहीं नहीं, रजब को बिल्कुल जरूरत नहीं है मेकअप की। आए आए, किसी को भी नहीं है, किसी को भी, आपको भी बिल्कुल नहीं है। आप सब बहुत प्यारे हैं, किसी को मेकअप की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो शूट के लिए जरूरी होगा वो लड़कियां करवा लेंगी, मुझे जरूरत नहीं है और ना ही हैदर को जरूरत है। क्यों, आप ही ऐसे ही है? ऐसे ही है बिल्कुल। आपने काम करना है, आपको बेहतर पता है। बाकी इंशाल्लाह नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, वो आपको जरूरत है आप करवा लीजिएगा, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही बहुत प्यारे हैं, बहुत लाइट सा मेकअप। हाँ हम बहुत प्यारे हैं, वैसे ही मॉडल्स भी माशाल्लाह प्यारी हैं, इनको भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो शूट के लिए जरूरी है वो हो जाएगा। अब आप ही को और मॉडल्स को छोड़ते हैं वापस स्टूडियो, फिर हमने भागना है जिनको। चलो जी ओके ओके, आप ही अल्लाह हाफिज। ठीक
इंशाल्लाह शूट वाले दिन मुलाकात होती है, ठीक है, डन बाकी सब चीज। ओके जी, अल्लाह हाफिज कंजा, अल्लाह हाफिज। ओके मानूर, अल्लाह हाफिज। चले भाई चलो। क्या लड़को। ओके जी, तो अब हम घर नहीं गए, जिम आ गए हैं, फिटिंग वगैरह हो गई, ड्रेस ऑलमोस्ट फाइनल हो गई, आज गेम करनी है लाजमी। क्यों भाई? क्योंकि माँ जी का फोन आया, उन्होंने कहा इसको गेम के बगैर नहीं भेजना, करते नहीं तो घर एंटर नहीं होगा। क्योंकि एक हफ्ता हो गया मुझे, मैं एक्सरसाइज सही से नहीं कर रहा। अब करते हैं एक्सरसाइज ब्लॉग, करते हैं यहाँ पर एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़। सारे कहो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।